नवोदय क्रांति परिवार के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा आज का टॉपिक है ज्ञानेंद्रिया व उनकी देखभाल। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं कक्षा कक्ष की ओर। गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ आर यू? वेरी गुड। एक्टिविटी करें हम? यस मैम। चलो करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि गिलास में कैसा रंग दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है। तो इसका टेस्ट कौन करना चाहेगा? चलिए टेस्ट करते हैं इसका। खुशी से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट खुशी। मन तीखा। तीखा। पानी चाहिए? यस मैम। आप भी लोगे? तीखा है। हाथ हैंड वॉश कर लेना बाहर जाके, एक 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 करके, वन बाय वन। आपको भी चाहिए? तीखा है। पानी ले लो। पानी प्रिया भी करेगी? यस मैम। आप तो करना है ना? वेरी गुड। ये देखो कितनी अच्छी लड़की है। ये नहीं मना कर दिया आपको करना था? नहीं करना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए कि किस चीज का गोल लगा प्रिया, क्या है ये? मिर्ची। मिर्ची। तो मिर्ची जो है कैसी होती है? रेड। तीखी। तीखी होता है, तीखा टेस्ट होता है ना इसका? यस। अच्छा मेरे पास ये दो सफेद रंग की चीजें हैं, आपको दिखाई दे रही हैं? नो मैम। अच्छा तो इनका टेस्ट बताओ मुझे कौन करना चाहेगा? हाँ ये देखो कि ये कैसा टेस्ट रहेगा। मैम नमकीन। नमकीन है। नमकीन। नमकीन। क्या चीज है ये? नमक। नमक का कैसा टेस्ट होता है? नमकीन। नमकीन। अब ये दूसरी व्हाइट चीज है, इसका टेस्ट बताना मुझे कैसा होता है। जिन्होंने मिर्ची खाई थी वो लो पहले। खुशी देखो। मीठा। मीठा है। मीठा। मीठा। तो क्या चीज है ये? मीठा। क्या चीज है ये? चीनी। चीनी। कहाँ से पता चला इसके टेस्ट का? जीभ से पता चला। यस मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो आपने देखा कौन से शरीर के अंग से? आंखों से। और टेस्ट का कहां से पता चला? जीभ से। अब एक बार आंखें बंद और करो अपनी। मैं आपको कुछ सुंघाना चाहती हूँ। सूंघ के बताना कि वो किस चीज की महक आ रही है उसमें से। कैसी महक थी? किसी फूल की। किसी फूल की। और कुछ कुछ के पास कैसी आ रही थी? वेरी गुड। हाँ मैंने ये गेंदे के फूल थे कुछ, और ये प्याज था। आप लोगों को जो सुंघाया तो कहाँ से सुंघा आपने? नाक से। किस अंग से सुंघा? नाक से। देखा किस अंग से? आँख से। और चखा किस अंग से? जीभ से। जीभ से। अच्छा मुझे एक और बताना, आरती इसमें हाथ डालती
कैसा है ये? कूल कूल। और ये मैम ये भी कूल है। ये भी कूल है, आपको लगा नहीं बेटा? एक से बताओ कूल कूल है। ये गरम गरम होट, ये होट है। अच्छा अभी देखो कूल। और ये होट होट। एक आपको छूने से पता चला, कैसे पता चला? छूने से कि एक जो पानी मैंने गिलास में लिया है वो कैसा है? कूल ठंडा है। और दूसरा क्या है? हॉट गर्म है। तो ये किससे हमसे पता चला? त्वचा से। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमने ये क्या क्या चीजें की? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये हमारे पांच क्या है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? हाँ बेटा बताओ। जो हमें ज्ञान देती है। जो हमें ज्ञान देती है, वेरी गुड। तालियां बजाओ। आपने नहीं बताया श्री राम बेटे। जो अंग, शरीर का अंग हमें ज्ञान देता है। मुख्य हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? पांच। कौन कौन सी पहला बताओ? नाक, कान, जीभ, आंख। वेरी गुड, बहुत अच्छे से तुमने किया। अब एक एक्टिविटी के द्वारा भी करोगे कि ये हमें क्या क्या ज्ञान देती है? हमें जो है आंख क्या ज्ञान देती है, क्या बताती है, क्या समझाती है आंख? कैसे हमें, हाँ, हमें किसी भी चीज को किस प्रकार से पहचानना चाहिए, किस प्रकार से समझना चाहिए? देखकर, देखकर हम किसी भी चीज को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। और नाक से सुनकर हम पहचान सकते हैं, सूंघकर। कट कर दो थोड़ी, एक मिनट। अच्छा बच्चों, इस सुंदर एक्टिविटी के द्वारा तुम्हें बताना है कि हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हमारी पांच मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हम कैसे कैसे सीखते हैं, पहचानते हैं, किस प्रकार से। तो अब रवीना बताएगी, क्या है आपके हाथ में? नाक से हमें देखकर पहचान सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तालियां बजाओ। नाक से हम सूंघकर पहचान सकते हैं। बहुत अच्छे। पिछले भाग से हमें नमकीन होने का पता चलता है और पिछले भाग से हमें कड़वा होने का पता चलता है। वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छे। कान से हम सुनकर पहचान सकते हैं। बहुत अच्छे। तो नहाने से पहले हमें अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। बेटा हमें किस प्रकार से पहचानते हैं? छूकर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस बच्चो, जैसे कि हमने हमारी ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझा कि किस प्रकार से हमें किस ज्ञानेंद्री से क्या ज्ञान मिलता है, और हम इनकी सावधानी भी हमें रखनी चाहिए कि नहीं? देखभाल किस प्रकार से हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों की करनी चाहिए। जैसे कि आंख है, तो आंख की देखभाल हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? एक के बाद एक बच्चा बताएगा। हाँ बेटा, कैसे करनी चाहिए? वेरी गुड। ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। वेरी गुड। धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। बहुत अच्छे। आंखों के लिए चीज नहीं डालनी चाहिए। वेरी गुड। ज्यादा रगड़ना चाहिए। वेरी गुड। मिर्च के हाथ आंखों पे नहीं लगाने चाहिए। बहुत अच्छे हैं। तो आंखों में छिपके मारे, ठंडे पानी के छिपके मारने चाहिए। वेरी गुड। तो इस प्रकार हमारा धूल मिट्टी से आंखों को बचाना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे। क्लास सभी के लिए क्लास करो। किस प्रकार से हमें अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए? देखो सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आंख हमारी बहुत ही नाजुक पार्ट होता है और हमें पूरी लाइफ टाइम चाहिए होती है ना। जब बूढ़े हो जाते हैं तो कम दिखने लगता है ना। मतलब हमें इसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसे कोई नुकीली चीज है
इसमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। कोई बच्चा प्रकार से खेल रहा है, कोई ब्लेड से खेल रहा है, उसको ऐसे थोड़ा मना कर देना चाहिए कि ये ऐसे सावधानी बरते कि कहीं आंख में ना लग जाए। पेंसिल है, पेंसिल से बचा के रखो। और सूर्य की जैसे नंगी किरणों में धूप में बाहर चले जाते हैं तो उनको ऐसे ही देखने लग जाते हैं सूर्य को आंखें फाड़ के, तो उससे बचे, उसे आंखों में पानी आने लगता है तो वहां ना जाएं। और जैसे ज्यादा टीवी देखने लगते हैं बच्चे घर पे तो टीवी ज्यादा ना देखें, उससे भी आंखों में पानी आता है कि नहीं? आता है ना, चश्मा भी लगता है, है ना? तो सभी समझ में आया सभी को? दूसरा हमारा कौन सी इंद्रिय है? कौन सी है? त्वचा। त्वचा की देखभाल हम कैसे करेंगे? यस बेटा, तेल की मालिश। हाँ, तो इसकी तेल की मालिश करेंगे। हाँ, वेरी गुड, साबुन से रगड़ रगड़ के उतारेंगे। हाँ, त्वचा को हम गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हर रोज नहाना चाहिए। हाँ, हमें हर रोज नहाना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, और कौन कौन बताएगा? नहाते समय तेल की मालिश करनी चाहिए। हाँ, नहाते समय तेल की मालिश करनी चाहिए। वेरी गुड। देखो बच्चों, हमारे जो अंग होते हैं, त्वचा होती है, त्वचा को भी हम इस प्रकार से ये चीजें हैं कि भी हमें नहाना चाहिए, उससे पहले तेल की मालिश करनी चाहिए और सूखे टॉवल से, तौलिए से रगड़ कर अपनी त्वचा को साफ करना चाहिए। क्यों करेंगे रगड़ कर साफ? पानी लगा हुआ है क्योंकि त्वचा में पसीना आता है ना? है ना, कहाँ से आता है पसीना? वो त्वचा में जो रोम छिद्र होते हैं उन्हीं से बाहर निकलता है पसीना। और पसीना जब आता है तो बदबू आती है क्या? क्या क्या आता है? बदबू आती है ना, तो वो पसीना जो शरीर में बदबू ले आता है, फिर हम नहाते हैं और फिर वो पानी मतलब गीला हो जाता है तो उसको अच्छे से वो रोम छिद्र हमारे खुल जाते हैं। रगड़ कर जब हम तौलिए से टॉवल से साफ करते हैं तो हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो रगड़ के साफ करते हैं सभी? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हमें जैसे त्वचा को भी कटने फटने से बचाना चाहिए, वही है कि कई बार बच्चे पेंसिल या कुछ भी चीजें क्लास में रखते हैं, प्रकार रखते हैं, ब्लेड रखते हैं, इन चीजों से भी त्वचा को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए कि नहीं? यस मैम। वेरी गुड, बचाना चाहिए। और हमें और क्या देखभाल करनी चाहिए त्वचा की, सोच के बताओ। हाँ बेटा, हमें त्वचा पर चोट नहीं लगने देनी चाहिए। वेरी गुड, ताली हम जाते हैं। चोट नहीं लगने देनी चाहिए। पैरों में चप्पल डालनी चाहिए। हाँ, पैरों में चप्पल डालनी चाहिए, पैर गंदे हो जाते हैं ना, तो पैरों में चप्पल डाल के रखोगे। वेरी गुड बेटा। और जैसे त्वचा हम लू पड़ती है ना गर्मियों में लू चलती है ना, कई बच्चे बाहर को फिरते रहते हैं, है ना, और सूर्य हमारे जो स्किन में से सारा पानी सोख लेता है, लू लगती है हमें, तो वहां इतनी ज्यादा गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए। समझते हो आप लोग? यस मैम। और हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीना चाहिए। पीते हो सभी? यस मैम। वेरी गुड। और हाँ बेटा, जब हम नहाते हैं ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना। हाँ, जब हम नहाते हैं तो हमें ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग याद रखोगे? यस मैम। किसी भी कटने फटने से पेड़ पे चढ़ जाते हैं बच्चे, बड़ी शरारतें करते हैं, तो ऐसी शरारतें ना करें जिससे चोट लगे, जिससे हमारे शरीर को हमारी त्वचा को नुकसान हो। तो इसकी देखभाल करोगे सभी? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे तीसरा पार्ट क्या है? कान। कान की साफ सफाई देखभाल किस प्रकार से करेंगे? हाँ, कान में उंगली नहीं डालनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, कान में कोई नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए। बहुत अच्छा। कान में तिल्ली के साथ बाहर का हिस्सा साफ करना चाहिए। वेरी गुड। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम नहाते हैं जब हमें पानी नहीं डालना चाहिए कान में। हाँ, पानी ना जाए। हाँ बेटा,
वेरी गुड, बहुत अच्छे तो हमारी कोई भी गैलरी हो, हमें ज्यादा परेशानी हो जाती है तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अब जैसे कान हमारा बिल्कुल नाजुक सा पार्ट होता है, इसमें जैसे प्याज की, ये आपने झीली देखी प्याज की, ये कितनी पतली होती है, ये बहुत पतली है, और ये कान का पर्दा अंदर होता है, ये होता है ऐसा। अगर इसमें कोई भी नुकीली चीज या कैसी भी चीज अंदर चली जाती है, हम साफ सफाई करते हुए गलती से भी लग गई, तो इससे क्या हो जाता है, कान में बहरा बन जाता है। देखो इसमें कान में क्या हो जाता है, बहरा बनाने से क्या होता है, सुनाई नहीं देता, ऊंचा सुनाई देता है, दूसरा बोलता रहता है क्या क्या, हमें सुनाई नहीं देता। तो हमें जब हम अपने कान को साफ करते हैं बाहरी हिस्से को, तो किससे साफ करवाना चाहिए, मम्मी पापा से साफ करवाना चाहिए। किससे करवाना चाहिए, मम्मी पापा से। और जब हम नहाते हैं तो पानी चला जाता है ना कान में, तो उससे बचाना चाहिए, तो हिला के मतलब उसका पानी निकाल देना चाहिए, उसको ऐसा करने से बचाओगे सभी? यस मैम। वेरी गुड, और क्या करोगे कान में, और क्या करोगे कान में, प्रकार नहीं डालोगे। हाँ, प्रकार नहीं डालोगे। एक मेन था कि बहुत ये लाउड स्पीकर शादियों में चलते हैं ना, तेज आवाज में लगा लेते हैं, तो कान कितना ऐसे हो जाता है ना कि बिल्कुल बंद कर ले, फटने को होता है कि नहीं? यस मैम। तो इतनी ज्यादा तेज आवाज से कान को बचाना चाहिए, ज्यादा तेज आवाज हमें नहीं सुननी चाहिए। कई बार लीड लगा लेते हैं बच्चे, लगाते हैं ना गाने, सुनते हैं तो ऊंची आवाज में हमें गाने नहीं सुनने चाहिए। नहीं सुनोगे? यस। कई बार जैसे ड्राइविंग करते हैं तब भी कान में लीड लगा लेते हैं ना, यस मैम, तो क्या ऐसा करना चाहिए? नो मैम। करना चाहिए ना। वेरी गुड, समझ में आया सभी को? यस मैम। बहुत अच्छे बच्चे। अब हमारा कौन सा पार्ट है, नाक। नाक, तो नाक के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे? मैम नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। वेरी गुड, हमारा नाक को कपड़े से साफ करेंगे। हाँ, मुलायम कपड़े से हम डा नाक में हम कई नुकीली चीज नहीं डालेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाक को ज्यादा रगड़ेंगे। हाँ, रगड़ेंगे नहीं, सीधा हम डा हम गाओ। मैम हमको ना सॉफ्ट कपड़े से साफ करते चाहिए। हाँ, वेरी गुड, हम डा अगर नाक से नेक्स बीरी छूट जाए तो हमें प्राथमिक उपचार के लिए सिर पर पानी डालेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो हमें किस प्रकार से क्या क्या देखभाल हमारे नाक की करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, बहुत बच्चों की आदतों होती है ना, और नाक को पानी से धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, और एक मुलायम कपड़े से उसको साफ करना चाहिए। रुमाल रखते हैं ना सभी? रखते हैं सभी? और क्या करेंगे, कोई भी नुकीली चीज नाक में नहीं डालनी चाहिए, और कोई भी ब्लेड वही शॉर्पनर का या कोई और अन्य कोई चीज है आपके पास, उसके कटने से बचाना चाहिए, क्योंकि सारे चेहरे की सूरत बिगड़ जाती है ना फिर। बिगड़ जाती है कि नहीं? यस मैम। यस, और कई बार नाक से नक्सली छूट जाती है, तो क्या करेंगे, कुछ ने बहुत अच्छा बताया, उपचार के लिए क्या करेंगे, सिर पर पानी डालेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या हो जाती है, नाक में फुंसी हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। वेरी गुड, डॉक्टर के पास जाएंगे। और कहीं पे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है तो क्या करेंगे, नाक पर कपड़ा रखेंगे। कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या करेंगे, उसकी धुआं बहुत गंदा होता है ना, क्या करेंगे, नाक पर कपड़ा। हाँ, हमारी नाक को बचाएंगे। डस्टिंग हो रही है, धूल मिट्टी आ रही है कहीं से बहुत ज्यादा, तो क्या करेंगे, वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने सबके। अब हमारी कौन सी गैलरी है, जीभ। जीभ की देखभाल के लिए हम क्या क्या करेंगे,
साफ करता है अपना वेरी गुड। हाँ मैडम ब्रश के पिछले भाग से साफ करेंगे। बहुत अच्छे। हाँ यह टंग क्लीन न हो तो हमें वहाँ उंगली के साथ साफ कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ हम जीभ को पलटने के लिए जीत रहे हैं। हाँ उसे बचाएंगे। हाँ मैडम अच्छे से बताया कि हम जीभ की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ जीभ बहुत ही मुलायम हमारे मुंह में ग्रेनुलरी होती है, इससे हमें क्या पता चलता है, चखकर चीजों का पता चलता है और इसकी देख रेख बेहद जरूरी है, इसकी साफ सफाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम तीन बार खाना खाते हैं ना। yes, ma'am. तीन बार खाते हैं तो इसकी साफ सफाई जरूरी बनती है कि नहीं? Yes, ma'am. तो इसकी साफ सफाई के लिए आप लोग क्या क्या करोगे? टंग क्लीनर से साफ करेंगे। और क्या करोगे? ब्रश से साफ करेंगे। और क्या करोगे? जीभ में नहीं डालेंगे, मुंह में नहीं डालेंगे। और साफ करेंगे। और हम लोग नहीं डालेंगे। हाँ ब्लेड नहीं डालेंगे। और जो उसी के साथ हम कपड़े सिलते हैं वो वेरी गुड। बहुत सुई होती है वो मुंह में डाल लेते हैं तो वो सुई मुंह में डालने से जीभ के अंदर जा सकती है और जीभ को नुकसान हो सकता है और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मतलब बड़ी समस्या में आ जाते हैं ना। तो उससे भी बचना चाहिए। और कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है कि जो हमें समझ में नहीं आ रही है, बड़ी समस्या हो गई है, तो उससे उसके लिए हम क्या करेंगे? वेरी गुड। मुझे तो सुनाई नहीं दिया। बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया। वेरी गुड। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। तो हम आप लास्ट में एक्टिविटी समझ में आया हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। yes. तो हम एक सुंदर एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से हमें देखभाल करनी चाहिए। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बताना। और विशाखा स्टार्ट करो बेटा, क्या है ये? जीभ को हमें टंग क्लीनर के साथ साफ करना चाहिए। अगर वो हमारे घर में ना हो तो हमें ब्रश के साथ करना चाहिए और हम उंगली से भी कर सकते हैं। जीभ में हमें कोई नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए। हाँ ब्लेड आदि इसके कटने फटने से, ब्लेड वगैरह नहीं डालना चाहिए, कटने फटने से बचाना चाहिए। और गर्म चीज नहीं खानी हाँ, चाहिए। चाय ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा हमें नहीं खाना चाहिए। और कोई समस्या हो तो हमें किससे मिलना चाहिए? वेरी गुड। क्लैप क्लैप फॉर टेक योर सीट बेटा। वेरी गुड। हाँ बेटा अगर कुछ चला जाता है तो हमें ठंडे पानी के छींटे लगाने चाहिए, उसमें कोई नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए, मैम मिर्ची के हाथ नहीं लगाने चाहिए और मैम आग को ज्यादा नहीं रगड़ना चाहिए। हाँ कोई ज्यादा समस्या हो तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। वेरी गुड। बहुत अच्छे। और टीवी टीवी देखेंगे? नो मैम। यस टेक योर सीट। त्वचा को हम गर्म पानी से नहीं लहलाएंगे और नहाने से पहले आधे घंटे से पहले हम गर्म की तेल की मालिश करेंगे और हमें ज्यादा ठंडे पानी से भी नहाएंगे। हाँ और टॉवल से रगड़कर और कटने फटने से बचाएंगे। और डॉक्टर किसके पास जाएंगे लास्ट में? डॉक्टर। हाँ उछलने कूदने से भी हम बचेंगे। वेरी गुड। टेक योर सीट। कोई ऐसी समस्या हो तो किसके पास जाए? हाँ लाउड स्पीकर की आवाज से कान को बचाना चाहिए। हाँ अगर हम नहाते समय हमें कान में कान को पानी से बचाना चाहिए।
वेरी गुड। और ज्यादा समस्या होती किससे मिले? डॉक्टर से मिले। हाँ टेक केयर सर, वेरी गुड। हाँ बेटा, नाक बदबू से नाक को कपड़े से ढकेंगे और धूल मिट्टी से कपड़े को उठाएंगे। नाक निकलने से अगर ज्यादा दिक्कत आ गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बताया, तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने एक्टिविटी की। थैंक यू सो मच।